हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक यस ऑनलाइन गिटार ट्यूटोरियल सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्टार्ट वॉचिंग आर वीडियो। लास्ट की वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज मेरे पास है आपसे शेयर करने के लिए। बिल्कुल हम करेंगे, वो बातें भी करेंगे। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस हमें मिले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिले। सजेशंस कुछ फॉर्मल्स थे, कुछ इनफॉर्मल्स थे, और क्वेश्चंस भी थोड़े फॉर्मल्स थे, थोड़े इनफॉर्मल्स थे। बट कोई बात नहीं, आई वेलकम दोज ऑल, और हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। खैर, आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। वो क्या था कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में। कौन से टॉपिक्स? जो हम म्यूजिक यासा ऑनलाइन गिटार ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे, गिटार से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आज हमें बात करनी ही करनी है। हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अराउंड 1 मिनट 45 सेकेंड्स की है, 1 मिनट 45 सेकेंड्स करीब की है। तो उसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक पीपीटी काइंड ऑफ वीडियो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो जो होती है, तो वैसी है, बहुत मेहनत से भी बनी है, तो बहुत आराम से आपको उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। साथ में हमें जो सजेशंस मुझे लास्ट टाइम मिले, मतलब लास्ट वीडियोज़ के लिए मिले, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन जो आए बिल्कुल फॉर्मल आए, इनफॉर्मल आए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट की वीडियो को, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, आई थिंक वो इस ट्यूटोरियल की नहीं है वीडियो, पर हाँ उसके स्टार्टिंग के लिए गियरअप था ना, फर्स्ट गियर तो वही था ना। तो वो अगर अच्छा लगेगा तो आगे जाना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए भी। तो आपके फीडबैक्स आते रहते हैं, आपके सजेशंस आते रहते हैं ना, तो हमारी एनहेंसमेंट होती रहती है। हम उस पर काम करते हैं कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ हमें ज़्यादा काम करना है। तो जो सच में लगता है कि जो जेन्युइन है, क्योंकि हर चीज़ जो एज अ व्यूअर आप देखते हैं या हम कहीं देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉसिबल भी हो या फिर कभी कभी वो ही ठीक हो, हमेशा नहीं होता है। पर हाँ, सजेशंस है बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप प्लीज़, आपको वीडियो अगर पसंद आए या ना पसंद आए, या एक पर्टिकुलर सेक्शन पसंद आए या एक पर्टिकुलर सेक्शन ना पसंद आए, तो प्लीज़ एज अ फीडबैक, सजेशन आप कैसे भी ले लो, आप कमेंट के थ्रू, या फिर लास्ट टाइम हमने प्लेटफॉर्म डिस्कस किए थे, चाहे इंस्टाग्राम पे आप कर लो, चाहे फेसबुक पे आप कर लो, चाहे मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर लो, चाहे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे भी आप कर लो, बट आप फीडबैक ज़रूर दो, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। आपको भी बात मालूम है, मुझे मालूम है, तो प्लीज़ आप करना। आइए हम कुछ सजेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो लास्ट टाइम मिले और जिस पे हमने काम किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, आपको दिखेगा भी। पहला है वो है एक्सेस लाइटिंग, लास्ट टाइम में भी हो गई हो, एक्सेस लाइटिंग। ओके, एक्सेस लाइटिंग आई थिंक इट मीन्स कि लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से ग्लो ज़्यादा हो गया था, कंट्रास्ट ज़्यादा हो गया था। आई थिंक ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स जो भी होते होंगे वीडियो के, उससे रिलेटेड होगा, तो मे बी हो गई हो। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने कोशिश की है लाइट को थोड़ा सा हल्का रखने की, हल्का इन द सेंस कि एवरेज रखने की, लाइट को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो अगर ये भी आपको नहीं पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें बताना, हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ हो सके, कोशिश करेंगे हम, फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की। सेकेंड इज़ ऑडियो वॉल्यूम। हाँ, लास्ट की वीडियो में ऑडियो वॉल्यूम कम था, थोड़ा कम आ रहा था, ठीक है आ रहा था, पर थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छा होता, ऐसा कुछ मुझे मिला था। तो आई थिंक ऐसा रहा होगा, मैंने भी उस वीडियो को 5-6 बार देखा और मुझे पता चला कि मैंने कितनी सारी गलतियां उसमें की थी, बोलने में प्रोनंसिएशन इधर उधर हुआ, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ, हिंदी में भी कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ। और लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, नॉट प्रॉब्लम बट हाँ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मेरा फैक्टर बीच में आ रहा है इस वीडियो में, उसका बहुत सारे उसके रीज़न्स है। एक रीज़न उसका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी राइट नाउ आई एम लुकिंग एट द कैमरा लेंस, मेरे सामने कोई इंसान नहीं है, तो एक इंसान से इंटरेक्ट कर लेना, बात कर लेना, उसको कुछ बता देना, समझा देना इज़ डिफरेंट साइकोलॉजिकली, एक आई थिंक कुछ है जो काम करता है ये चीज़। बट अभी कैमरा है तो ऐसा लग रहा है मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, हालांकि आपसे भी बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है, और आई कैन फील कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा भी है कहीं ना कहीं। लेकिन यह है कि अभी मैं इसके साथ उतना यूज्ड टू नहीं हूँ, तो जैसे जैसे ये चीज़ें मेरे साथ यूज्ड टू में आ जाएगी, डेली में शायद आ जाएगी, तो धीरे धीरे ये भी अच्छा हो जाएगा। तो ऑडियो वॉल्यूम के पे था मैं, तो ऑडियो वॉल्यूम हमने कोशिश करी है कि इस बार थोड़ा सा हाई रखा। इज़ इट ऑडिबल नाउ? क्लियर? ठीक है। सो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वीडियो की अगर बात करी जाए तो वीडियो में एक ऑडियो और एक वीडियो, ये दोनों तो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इग्नोर नहीं कर सकते ना इसको इतनी आसानी से, इसलिए मैंने इसको कंसिडर भी किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास प्ले अ सॉन्ग इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हाँ बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा था, बहुत इनोवेटिव फीचर मुझे लगा एक हो सकता है किसी भी वीडियो के लिए। शायद उनका ये था डिटेल में अगर मैं बताऊँ आपको तो, कि जैसे हमने कोई भी वीडियो स्टार्ट करी तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में कोई सॉन्ग या कोई पीस या कुछ भी ऐसा कुछ प्ले करके आपको दिखाऊँ। छोटा सा क्लिप रहेगा, वो ज़्यादा नहीं, मे बी 1 मिनट और वन एंड हाफ मिनट ऐसा कुछ, मतलब छोटा सा क्लिप, और उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करें। तो ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही, आपका एक साइकोलॉजिकल वार्म अप हो जाएगा, मेंटल वार्म अप, और एक फिजिकली भी आपको मतलब दिख जाएगा ओ प्ले हुआ, ऐसा हो सकता है, अच्छा लगा, कोई सॉन्ग होगा। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ जो ऐड करी कि गिटार ही क्यों, क्यों ना और भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करी जाए। हाँ लेकिन ये गिटार ट्यूटोरियल सीरीज़ है, पर ठीक है, होता है ना, एक चीज़ से बार बार कर करके थोड़ा बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा देख देख के क्या बोलते हैं उसको, फेड अप काइंड ऑफ कुछ हो जाता है ना एक ही चीज़ को बार 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 बार। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि जो जो इंस्ट्रूमेंट मुझे आते हैं और जो यहाँ पे बजाने के लायक है, मतलब बज सकते हैं, कंपैटिबल है टू दिस सिचुएशन, तो उसके रिगार्डिंग हम काम करेंगे और कुछ बजाएंगे। बिल्कुल कीबोर्ड पे भी सुनेंगे, पियानो स्टाइल में भी सुनेंगे, यूकुलेले पे भी सुनेंगे, गिटार पे तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ज़ाइलोफोन्स पे भी सुनेंगे, थोड़ा बहुत फ्लूट पे भी सुन लेंगे, जो जो हो पाया मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक नया नया टेस्ट मैं दे सकूँ। सो थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल सजेशन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत इनोवेटिव लगा, सो थैंक यू। नेक्स्ट इज वी हैड बैकग्राउंड चेंज इन वीडियोस। ओके सी, राइट नाउ वी हैव कर्टेंस एज अ बैकग्राउंड, तो कर्टेंस बैकग्राउंड ठीक है, ये भी अच्छा है ना, आपको पसंद आ रहा है ना, ये भी ठीक है, ओके ठीक है। लेकिन देखो चेंज की अगर बात करी जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ना थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रेंथ चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो अभी शायद हमारी उतनी नहीं है, आपका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा और हम इस पे भी काम करेंगे कि हम आपको नया नया सेटअप ला। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हो कि सेटअप भी क्यों ना थोड़ा चेंज होता रहे, क्योंकि सही बात है, एक ही सेटअप रहेगा तो आप भी देख देख के सेम चीज़ थोड़ा सा आ जाता है, सेम चीज़। बट प्लीज़ डू फोकस मोर ऑन द कंटेंट एंड नॉट ऑन द सेटअप। पता ही आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बताऊँगा कि आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये वीडियोज़ गिटार ट्यूटोरियल सीरीज़ है, तो गिटार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट गिटार से रिलेटेड टॉपिक्स में और कंटेंट्स में कोई कमी ना रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी सही से अच्छे से पहुँचे, प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी। बाकी की ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, मेरी पूरी कोशिश है। जैसे आज हमने यहाँ पे रोज़ आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे ट्री है ना, ग्रीन वाला ट्री, उसको नाम नहीं पता मुझे उसको क्या कहते हैं, बट कुछ कहते होंगे, वो था, वो भी बहुत प्यारा था। आज हमारे पास ग्रामोफोन है, तो लास्ट टाइम वी हैड हेयर पियानो था ना, हाँ पियानो का मॉडल वो था, वो भी बहुत प्यारा था, मुझे गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत पसंद है। और यूकुलेले सेम एज़ लास्ट टाइम, और खैर जो भी चीज़ें हैं, तो कोशिश हमारी रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस सजेशन एज वेल। नेक्स्ट यू कैन कम लाइव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा टू इंटरेक्ट विद दिस। हाँ बिल्कुल, लास्ट वीडियो में ये बात रही कि मेरा एक पोर्शन में थोड़ा रिग्रेट मैं फील कर रहा था कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, विदाउट इंटरेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे, मैं थोड़ा टेंस हो गया था, मतलब मेरे माइंड में चीज़ें उस समय इंस्टेंट आई और इंस्टेंट इतनी सारी आने लगे, अरे कि आर्ट में कैसे हो पाएगा, अभी तक तो सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हम कोई आर्ट सीखें, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, म्यूज़िक की बात करें क्या, लाइफ इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, तो यहाँ भी इंटरेक्शन, विदाउट इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़ें, तो मेरे माइंड में आया था ये चीज़ें, तो शायद वही देख के मुझे एक सजेशन आया, सीनियर टीचर ने दिया है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। वो ये कि YouTube पे भी लाइव का ऑप्शन है, YouTube पे भी लाइव आया जा सकता है, और Instagram पे तो लाइव बहुत आजकल मैंने सुना है कॉमन भी हो गया है, तो आप उस पे आ सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, Instagram का तो मुझे थोड़ा आइडिया था भी, लेकिन मे बी उस समय स्लिप हो गया मेरे माइंड से, तो कोई बात नहीं, अब आ गया है, मुझे सजेशन मिल गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि Instagram पे एटलीस्ट हम लाइव आ जाएं, ताकि हमारा एक रिकॉल सेशन भी हो जाए, आपका कोई डाउट हो तो आप वो हमसे पूछ लें, और मुझे कुछ बताना हो, या कभी कभी होता है ना ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, हो जाती है, तो वो मुझे आपको करेक्ट करना हो तो मैंने आपको करेक्ट करके उस समय बता दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेक्शन में ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन अगेन, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल, अब चलो एक झंझट ख़त्म कि हम लाइव भी आराम से आ पाएंगे और इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट इज़
ये हाँ ये सही था कि सर आप प्लीज़ सारी वीडियोस को हिंदी में रखना, हर कोई को हर किसी को इंग्लिश में हर चीज़ समझ में ना आए। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये पॉइंट मेरे माइंड में पहले भी था, आपने रिकॉल करा दिया। वो यही कि क्योंकि ये वीडियो अब यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं, ये नहीं डील करेगा, बल्कि कोई भी देख सकता है ये वीडियो ना, चाहे वो म्यूज़िकली रिलेटेड हो चाहे ना हो, चाहे वो गिटार प्ले करता हो चाहे वो ना प्ले करता हो, तो कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। और किसी को इंटरेस्ट आए आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात भी होगी। किसी को इंटरेस्ट आ रहा हो उसको और देखना है कि क्या मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, या मैं कर पाऊँगा या नहीं, या हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे माइंड में थी ये बातें कि मुझे ऐसी वीडियोज़ को ऐसे अरेंज करने की कोशिश करनी है कि चाहे कोई भी एज ग्रुप वाली बात हो तो हर सेक्शन के लिए ये एवरेज में आ जाए, फिट बैठ जाए। तो मेरी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि हम इस वीडियोस में इस तरीके से कंटेंट्स को मैनेज करें, लैंग्वेज से लेके, लैंग्वेज से मेरा मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे इंग्लिश, और मैं भी बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि टू मेक इट होल इन इंग्लिश, या फिर एक बड़ा प्रोपोर्शन, एक बड़ा रेशियो इंग्लिश में रहे, बिल्कुल नहीं, हिंदी को हम वेटेज देंगे, बिल्कुल हिंदी में ही रहेगा। वी आर इन इंडिया, हिंदी में ही रहेगा। लेकिन सी इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो कुछ कुछ म्यूजिकल टर्म्स ऐसे हैं जिसका सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल हिंदी में सब्स्टिट्यूट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे म्यूजिकल टर्म्स आएंगे जिसका हिंदी में सब्स्टिट्यूट भी ना मिले हमें, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। वो कुछ ऐसे टर्म्स नहीं होंगे जो कि बहुत हैवी हो, याद नहीं हो पाए, समझ नहीं आ पाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये सब होता है ना, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब जो है ये तो सिंपल है ना, इसमें कुछ बात है ही नहीं। तो ऐसे टर्म्स आएंगे तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी उस क्वेरी को, क्वेश्चन को भी रिजॉल्व कर सकें। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन की बात करी जाए तो कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सर क्या ये सीरीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ही है या फिर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्लेइंग के लिए ही है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है एक बार उसको हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है? तो एक वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया हमने बनाई है, अराउंड 1 मिनट 45 सेकेंड्स की है, बहुत अच्छी है, सिंपल है, आपको इसके थ्रू आराम से समझ में आ जाएगा। जिज्ञासा गिटार ट्यूटोरियल सीरीज कंटेंट्स, बहुत बढ़िया। देखिए ज़रा, ओके, स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू गिटार, पार्ट्स ऑफ गिटार, स्ट्रिंग्स इन डिटेल्स, नेम्स ऑफ फिंगर्स, ओके, बेसिक लेवल फिंगर एक्सरसाइजेस, म्यूजिक रिलेटेड टर्म्स, फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कंसेप्ट ऑफ रिदम, हाउ टू प्रैक्टिस करेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट फिंगर एक्सरसाइजेस, एक्सेल नोटेशन रीडिंग, एडवांस फिंगर एक्सरसाइजेस, कंसेप्ट ऑफ सस्टेन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल म्यूजिकल नोट्स, बिल्कुल, नोट्स ऑन फ्रेटबोर्ड, पिच डिफरेंस कॉन्सेप्ट, 4 P's and 4 R's, ओके, इंट्रोडक्शन टू कॉर्ड्स, टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड्स, शेप ऑफ कॉर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, बेसिक स्ट्रमिंग एक्सरसाइजेस, ट्रांजिशंस अमंग कॉर्ड्स, ओपन एंड बार कॉर्ड्स, 4x4 स्ट्रमिंग पैटर्न, मैनुअल एंड क्रॉस चेक ट्यूनिंग, सरगम ऑन गिटार, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स, सिंगल स्ट्रिंग सरगम, सरगम ऑन 3 strings, मल्टी स्ट्रिंग्स, ब्रोकन स्ट्रमिंग पैटर्न, जॉइनर्स और फिलर्स, इंट्रोडक्शन टू गिटार टैप्स, सॉन्ग्स ऑन गिटार टैप्स, कॉर्ड्स ऑन गिटार टैप्स एंड हाउ टू राइट गिटार टैप्स, ओके, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं तो ये टॉपिक्स जो हैं ये बेसिकली मेन टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आएंगे, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आएंगे, और अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं तो आई थिंक वी हैव 30+ टॉपिक्स, बल्कि कम ही मैंने बोला, 35+ तो है ही है मेन टॉपिक्स, बाकी इसके अंदर सब टॉपिक्स आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको इसीलिए नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि किस लेसन में कौन सा टॉपिक हो रहा होगा, क्योंकि अभी मेरे लिए आइडिया लगाना भी थोड़ा मुश्किल है,
और शायद मुझे ये बताना ठीक भी नहीं है अभी, आप आराम से देखो ना, फॉलो करो वीडियोस को, कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात आती है तो हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे। और ये क्योंकि लेसन है, सीरीज़ है, मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें, और ट्यूटोरियल बस देखना है आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ में आया तो आपको पूछ लेना है, समझ में आ जाए तो आगे बढ़ जाना, दैट्स इट। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज़ हमने अरेंज की है जो आपको और भी अलग अलग टॉपिक्स को इजीली समझने में हेल्प करेगी, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अगेन मेरी कोशिश यही है, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम कितना इंटरेस्टिंगली चीज़ों को आप तक पहुंचा पाएँ, पेश कर पाएँ, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपको इंटरेस्ट भी आता रहे। ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मे बी मुझे ऐसा फील हुआ जस्ट अभी, सी क्या करूँ, बात वही है ना, क्या करूँ अभी, ठीक है थोड़ा कम बोलता हूँ मैं अभी। आओ नेक्स्ट जाते हैं हम। हाँ, एक क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इज़ दिस सीरीज़ ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप और लेवल ऑफ प्लेइंग? ओके, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने शायद पहले एक प्रॉम्प्ट दिया आपको बता के कि ये, मैंने कोशिश की है कि ये कोई भी एज ग्रुप का स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी आप कह लो ना, सीखने वाले हमें अगर हैं तो कोई भी किसी भी एज ग्रुप के हो, सबके लिए हेल्पफुल रहे। इसलिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, है ना। हाँ, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको इस टॉपिक्स के बारे में, एक एक के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा, आता होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके सर के ऊपर से गया होगा, शायद किसी के बहुत ऊपर से गया होगा कि ये क्या था, कुछ आया चला गया, कोई बात नहीं। जिसको नहीं भी समझ में आया तो हम हैं इसीलिए ना, कि आपको वो चीज़ बताएं, समझाएं, आप तक वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जिसको आ गया है आपका रिकॉल हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक इंस्ट्रक्टर का अपना एक अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को बताने का, समझाने का, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ नया मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके ऐड ऑन हो जाएगी आपकी स्किल्स में, आपकी इन्फॉर्मेशन में, आप ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट लगे, ऐसा कुछ लगे कि इसमें कुछ चेंज करना है हमें, वो आप हमें बता देना, हम उस पर काम करेंगे। तो हाँ, तो बात तो ये इतनी सी थी कि ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए तो नहीं है। मेरी कोशिश है ही कि हमने इसको ऐसे डिज़ाइन करने की कोशिश की ही है कि यह हर एज ग्रुप के लिए फिट बैठ जाए। फॉर एग्जांपल, सी हम जब गिटार प्ले करेंगे, अभी ट्यूटोरियल सेशन में आएगा, तो जो पहला मेलोडी हम प्ले करेंगे ना, जो पहली मेलोडी हम प्ले करेंगे, जो पहला हमारा सॉन्ग कह लो या कुछ भी कह लो गिटार पे एक रहेगा प्ले करने के लिए, वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन में याद आ गई, बचपन की हमने पढ़ा था, ओ हमने गाते थे, मजे में गाते थे ना, और रीड किया था, जिंगल था। तो ये मेलोडी बहुत फेमस भी है। और अब बात आएगी, अगर आप बड़े हो, फॉर एग्जांपल आपका एज ग्रुप में अगर मैं बात करूँ, तो आप बड़े हो, 25 प्लस हो, 30 प्लस हो, या चाहे 20 प्लस हो, चाहे बड़े हो यार, तो आप बोलोगे कि मुझे ये क्यों प्ले करना है, मैं क्या करूँ, तो इसको मैं प्ले करके क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है, यू विल हैव टू प्ले इट, क्योंकि अगर 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 यू आर अ बिगनर या फिर इंटरमीडिएट में भी हो, तो आपको प्ले करना है ना, क्योंकि आप अभी गिटार के लिए नए हो, आप अभी गिटार के लिए तो बिगनर हो ना, नए हो आप गिटार के टर्म्स में। आप शायद हम उस समय LKG में हैं, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, UKG में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड में, जो भी, तो तब आपको प्ले करना होगा। पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो ये जिंगल्स भी थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आते रहेंगे। और मैं आपको अगर बताऊं तो, क्योंकि एज ग्रुप की रही बात और इसमें अलग अलग जोन्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बड़े जो होते हैं उनका 90s के वीडियोस, तो क्या बोलते हैं उनको, 90s के सॉन्ग्स उनको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो बोलते हैं कि वीडियोस में 90s के सॉन्ग्स को ट्यूटोरियल में रखो, हमें सिखाओ। जो छोटे होंगे उनको शायद अभी जैसे ये छोटे मोटे जिंगल्स हुए, ये पसंद से आएंगे, ये ज़्यादा पसंद आएंगे, उससे उनका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा, बजा पाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जो यंगस्टर्स हैं, आज के हैं बिल्कुल, उन्हें हम सभी को क्या पसंद आता है, जैसे आजकल के सॉन्ग्स में हो गए, जैसे अभी एक एग्जांपल लूँ मैं तो, अरिजीत सिंह जी का कौन सा एक तुम ही हो सॉन्ग कितना फेमस है, हर कोई जानते ही है इस सॉन्ग के बारे में, और बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो वो भी है। लेकिन वो क्या स्टार्टिंग में आएगा? नहीं, वो एंड के लेसन्स, एंड इन द सेंस बाद के सेशंस में ज़्यादा आएगा, लाइक वो मे बी 12-15 या हो सकता है इसके बाद, वहाँ आ जाके आएगा, और क्योंकि वहाँ उसकी सही जगह भी है। तो अगर आप पहले से प्ले करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको फिर, अगर आपको पहले से आप बेसिक सेक्शन आप क्लियर कर चुके हैं गिटार का, तो आपको उसमें क्या ऐड करना है। अगर आपने वो नहीं किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्ले करना है। ये सारी बातें ट्यूटोरियल सीरीज में हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्लेयर्स के लिए ही है, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में, स्किल्स में। ओके, हाँ,
एक और है, मैंने बहुत एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए तैयार की है। ये बेसिकली 6 वीडियोस हैं, है ना? 6 है ना? हाँ, 6, देर आर 6 वीडियोस। तो स्क्रीन में 6 ही फिट हो पाई, इससे छोटी ना, ज़्यादा करता तो ज़्यादा छोटी वीडियो आती, तो दिखने में अजीब लग रही थी, इसलिए देर आर 6 ओनली। बहुत इंटरेस्टिंग पीसेस हैं गिटार में, कुछ इंटरेस्टिंग पीसेस जो सुनने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। ये उन पीसेस में से कुछ मैंने चुने हैं और वो प्ले किया है आपको। आई होप कि आपको पसंद आए, तो एक बार आप उस वीडियो को देखो, ठीक है? आओ मिलके देखते हैं एक बार उस वीडियो को, और आप फीडबैक में बताना भी आपको कैसा लगा। इस वीडियो की खास बात क्या है इस वीडियो की, इसके बाद हम बात करेंगे, पहले आप उस वीडियो को देखो। ओके, हाँ जी, देखी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी? अच्छी लगी? ओके, थैंक यू सो मच। तो सी, ये 6 पीसेस जो थे गिटार के, आप पूरे पूरे नहीं हो पाए ना, क्योंकि वही एक जस्ट एक इंट्रो देना था आपको, बताना था। तो ये अलग अलग लेवल्स के हैं, ये अलग अलग लेवल्स के हैं। तो कुछ इजी है, कुछ इंटरमीडिएट है, कुछ एडवांस है, कुछ हाईली एडवांस है। एक फिंगर स्टाइलिंग भी ऐड था, फरेलिस, वेरी फेमस पीस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। फरेलिस आपने अक्सर इसको पियानो पीस में सुना होगा, अक्सर ये बहुत फेमस है। 3rd वीडियो थी ये। तो बात ये मुझे कह रही थी कि हाँ, ये अलग अलग लेवल्स के प्लेइंग इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, तो सुनने में भी अच्छे लगे। देखो, बात यही है कि आपने तो इसको जस्ट कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में देख लिया, लेकिन जाहिर सी बात है, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इतनी छोटी सी एक वीडियो बनाने के लिए जो बहुत हार्ड वर्क इसमें स्पेंड किया है कभी, वो मिस करना तो नहीं चाहिए ना आपको, है ना? आपको भी करना है, तभी ये चीज़ें आएंगी, तभी ये लेवल अटेन होगा। तो बिल्कुल, हम मिलके करेंगे ना, हम मिलके करेंगे। जो आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे, जहां आप अटकोगे वहां हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके, बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक लास्ट छोटी सी चीज़ है, वो है क्वेश्चंस जो थोड़े इनफॉर्मल्स आए मेरे पास, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि देखो, बात ये है कि एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करूँ, वो ये है कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम था एज एन इंस्ट्रक्टर, छोटा सा ड्रीम था, वो ये था कि मैं चाहता था, मेरे मन में था, मुझे एक था ना, एक अर्ज थी इस चीज़ के लिए कि मुझे 5 to 55 एज की बात करूँ तो 5 से लेके 55 तक के एज ग्रुप को डील करना था, मैनेज करना था और सिखाना था। ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम था जो मैंने कंप्लीट किया, पूरी कोशिश की, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।
अलग अलग एज ग्रुप्स के माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से कौन सीखता है, किस तरीके से कौन नहीं सीखता है, हर किसी को सिखाने का तरीका ओ भाई बहुत अलग होते हैं, बहुत बहुत अलग होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे शायद, कुछ टीचर्स होंगे जो इस बात को समझ पा रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल हर किसी का सीखने का तरीका बहुत अलग होता है। इनफैक्ट एक बैच में इफ़ आई हैव 5 स्टूडेंट्स है ना, तो उन पाँचों का सीखने का तरीका अलग होगा, ऐसा भी होता है। तो इसमें भी एक बहुत मज़ा आता है जब हम इन चीज़ को डील करते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, फिर दोनों का एक छोटा सा एक मिक्सचर टाइप बना के, और फिर उनको बताते हैं कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो, आप ऐसे मत करो, आप इस पे ज़्यादा फोकस करो, आप इस पे कम फोकस करो एंड ऑल थिंग। तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो बिल्कुल मैंने क्यों बात आपको ये बोली, वो इसीलिए ही क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो मुझे एज अ फ्रेंड मानते होंगे, बिल्कुल आई एम योर फ्रेंड। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे अपना बड़े भाई जैसे मानते हैं, बिल्कुल मैं आपका बड़ा भाई हूँ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे मेरा अपना छोटा भाई मानते होंगे, बिल्कुल मैं आपका छोटा भाई हूँ। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो छोटे छोटे होंगे तो प्रॉपर मुझे सर जो बोलते हैं, बिल्कुल आप मुझे एक सर की तरह मानते हैं तो थोड़ा फॉर्मल इंटरेक्शन चाहते हैं और करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि मुझे एज अ क्या बोलते हैं उसको, घर की मुर्गी दाल बराबर तो मतलब ऐसी कुछ कि हाँ ठीक है होगा तो भाई ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी को हक है क्योंकि यहाँ फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, फॉर दिस मोमेंट आई एम योर इंस्ट्रक्टर है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हमारा मेन फोकस रहे कि हम गिटार के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके, मैं गिटार के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मेन पर्पस हमारा यही रहेगा। तो कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ क्योंकि माना कि थोड़े इनफॉर्मल हैं थोड़े, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने में, आपको इसका आंसर देने में कोई बात नहीं। तो पहला जो है इस दिस अ डमी और अ रियल यूकुलेले, ये शायद इसकी बात ही हो रही होगी क्योंकि यही है। तो सी यस दिस इज़ रियल, बजाने वाला है, बजाएंगे हम इसको ट्यूटोरियल के किसी सेशन में, देखते हैं किस में बजाएंगे, ठीक है। मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, इसी को बजा के दिखाऊंगा, कोई एक सॉन्ग कवर कर लेंगे इसके ऊपर, छोटा सा होगा, एक क्लिप रखेंगे, आपको आई होप पसंद भी आए। ओके, अगर कोई स्पेशल सॉन्ग की फरमाइश हो तो आप लिख देना, अगर मुझे लगेगा कि वो भी अच्छा है तो वो ही सही, अदरवाइज़ जो हमारा एक डिज़ाइन वे में जो है स्टोरी बोर्ड कहता है हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ओके, तो यस दिस इज़ रियल। ये पियानो कहाँ से मिला, समझ रहा हूँ मैं, यहाँ जो था लास्ट टाइम उसकी बात हो रही है मुझे गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, आज मैंने चेंज किया, सेटअप चेंज किया, तो वो हुआ कहाँ से मिला, आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ है, आई मीन दिल्ली, तो मिल ही जाएगा, दिल्ली के किसी शॉप में मिल जाएगा, या नहीं तो ऑनलाइन तो मिल जाएगा है ना। आपको अगर पसंद है, किसी को गिफ्ट करना हो, चाहे आपको चाहिए होगा, मिल जाएगा ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा, आप ढूंढना मिल जाएगा, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। आपकी एज क्या है सर, गुठलियाँ ज़्यादा पसंद है आपको, गुठलियाँ ज़्यादा पसंद है आपको, मेरे कहने का मतलब ये था कि छोड़ो ना एज क्या है, खैर बता दूँ एस्टिमेट, गेस करो, गेस करो क्या होगी। ओके, आप करो, ये आप ही का टास्क है, आप ही का क्वेश्चन, आप ही आंसर करो, जिसका भी था ये पता नहीं। तो और भी हैं बहुत सारे इनफॉर्मल क्वेश्चन है, वो सारे एक है थोड़ा ये है कि भाई इतना फॉर्मल क्यों सेटअप और अरेंजमेंट आपने कर रखा है। ओके, अगर आपको लगता है कि बहुत फॉर्मल सेटअप है और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ, तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा सेमी फॉर्मल रखूँ, क्योंकि बिल्कुल इंस्ट्रक्टर लाइन में गिटार, खासकर म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर में अगर बात करें तो मुझे सेमी फॉर्मलनेस ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल उसमें सिंपली होता कुछ नहीं है, बात यही है कि अगर कोई टास्क मिला है हमें, अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया है तो आपको वो करना है, बस दैट्स इट, उसमें और कुछ नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वो करना है, कोई डाउट आ रहा है पूछो, कुछ बात नहीं समझ में आई है पूछो, कुछ बताना है बताओ, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब वो टाइम ओवर हो गया, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, आपका टास्क डन, यू आर डन विद योर वर्क, आपका जो होमवर्क मिला था या कह लो जो भी आपको पीस मिला था आपने प्रिपेयर कर लिया और हो गया, उसके बाद फिर हम फ्रेंड्स आ जाते हैं, बिल्कुल हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और बस ये रहता है। तो सेमी फॉर्मल इंटरेक्शन मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको फॉर्मल ना रखें, सेमी फॉर्मल रख सकें, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे ऐसा भी। और भी क्वेश्चन से देखो, वो सारे थोड़े मैं ऐसे नहीं कहूँगा इरेलीवेंट है, लेकिन इस पे नहीं है ना, गिटार ट्यूटोरियल सीरीज़ में एटलीस्ट हम उनको कम से कम रखते हैं, मेन जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए, आपके जो सजेशंस थे हम तक पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आगे की भी आपके ऐसी सजेशंस
हमारे पास आते रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सभी के लिए होगा। तो ऐसे ही हम ग्रो करते रहें। आई थिंक अब हम नेक्स्ट लेसन 1 में ही मिलेंगे। आज का हमारा जस्ट एन इंट्रोडक्शन सेशन था कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो अगेन बहुत सारे मीडियम हैं हमें कॉन्टैक्ट करने के, मुझे कॉन्टैक्ट करने के, हम वहाँ बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो कोशिश रहेगी मेरी कि या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन बातों को कवर कर लूँ, यानी तो ना भी हो पाए तो प्रैक्टिकली वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर से ये बोलूँगा थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं डायरेक्ट लेसन 1 में।